नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीधी जिले की ग्राम पंचायत सेमरिया से एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता सरपंच पद प्रत्याशी हैं। इन दिनों वे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आम जनमानस को अपने द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व में किए गए प्रयासों से अवगत करवाते हुए भविष्य में बेहतर विकास कार्य करने का वचन दे रहे हैं। आपको बता दें कि एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता सेमरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के पूर्व उप सरपंच हैं। वे योग्य, कर्मठ, शिक्षित, मिलनसार, मृदुभाषी और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इस बार वे सरपंच पद प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का पेड़ है। क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क में संवाद करते हुए उनका कहना है कि मैं सिर्फ वादे में यकीन नहीं रखता बल्कि काम करने में यकीन रखता हूं। वे आगे कहते हैं कि मैं कोई नेता नहीं बल्कि जनता का सेवक हूं। एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि वादा नहीं काम करूंगा, राजनीति नहीं विकास करूंगा। सेमरिया ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास को लेकर उनके पास एक ठोस कार्य योजना है जो वे बतौर सरपंच पूरी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग प्रतिनिधि से बातचीत में सरपंच पद प्रत्याशी कृष्ण कुमार गुप्ता ने आगे क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी जनता से अपील है कि वो हमें इस बार अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार आपने हमें दो बार उप सरपंच के लिए अपना आशीर्वाद और विश्वास व्यक्त किया है, मैं दो बार इस सेमरिया पंचायत का उप सरपंच भी था। उस कार्यकाल में मैंने यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की विधवा माताओं का, विधवा माताओं को पेंशन दिलाने के लिए प्रयास किया हूँ और उन्हें पेंशन दिलवाया हूँ और कई गरीबों का, बेघर लोगों को आवास भी उपलब्ध कराया हूँ। ये हमारे जीवन के लिए अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण बात थी। मेरे इस पंचायत में जुड़ा एक गांव भमरहा भी है। वहाँ की जो पाठशाला थी वो भवन विहीन थी, जिसको जहाँ मैंने भवन उपलब्ध कराया, उस भवन के लिए जमीन भी उपलब्ध कराया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने भमरहा गांव में पीसीसी सड़क भी निर्माण कराया है। मेरी जनता से पुनः हाथ जोड़ के ये अपील है कि अगर मुझे इस बार भी उसी प्रकार अपना विश्वास व्यक्त करके हमें आशीर्वाद मिलेगा तो मैं गांव के विकास के लिए अपना यथासंभव मदद करूंगा और प्रयास करूंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह फल सहित नारियल का पेड़ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।